सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भेड़िया मूवी के ट्रेलर पे, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ वरुण धवन। मतलब वरुण धवन की फिल्म भी कोई वेट करता है ये मैं सोच के हैरान होता हूँ। लेकिन इस मूवी की वेट मुझे दो रीज़न से थी, एक तो वरुण धवन और एक K4 Kekho जो कि है नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही सुपर रैपर, उनका भी सॉन्ग है इसके अंदर। तो मतलब मैं देखना चाहूँगा कि क्या है इस मूवी में, मुझे वहीं से पता लगा था कि ये मूवी आ रही है। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना, हम जल्दी से करेंगे रिएक्ट भेड़िया पे, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी सजेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे सारे चैनल्स और सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ मुझे मैसेज, कमेंट, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा दो। फिलहाल हम करेंगे फटाफट ट्रेलर शुरू, बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसका ट्रेलर देखने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉट फॉर अस एक्चुअली। तो हम थोड़ा सा कैमरा ऐसे मूव कर लेंगे ताकि यहाँ पर जगह बन जाए बोलने के लिए। ये देखो, देयर वी गो। Nice. देखो नाइस। तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िया ने मुझे क्यों काटा है? हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हो। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जिसे सियापा समझते हो ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं, शेप समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। ओ बैचो, दोबारा। शेप समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। खुशबू बदबू में बदल गई और बदबू खुशबू में। जी 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 जी, क्या कर रहा है? इच्छाधारी भेड़िया। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? क्या चल क्या रहा है भाई ये? भास्की के पॉटी में से किसी इंसान के हड्डी के अंश मिले। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश, प्रकाश के साथ खाना खाया था। हाँ, खाना खाया था। जंगल में कांड हो गया। क्या छुपा रहे तुमसे? कुछ हुआ नहीं है मुझे। हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ। हुआ। जिसका डर था ना वो शुरू हो गया। ओ भाई साहब, मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया। भेड़िया रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलता और ड्रैकुला जैसे दांत। मेरी ना लिटरली फटती है और फटके ना पीछे से पूंछ निकलती है। ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। भेड़िया से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। ये कॉमेडी है, सीरियस मूवी है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। ऐसी मूवीज बनी है जहाँ पे भेड़िया, इच्छाधारी भेड़िया या पूर्णमासी को जाने वाला भेड़िया, ऐसे बहुत है, लेकिन ये कुछ नया है भाई, ये कुछ नया है। भास्कर की चड्डी, अच्छा भेड़िया ने इसकी चड्डी पहनी। ओ भाई, ये 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 यही चड्डी पहन के कल रात को फूल खिलाता। देख देख पीछे से फटी हो गई। देख नाइस, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज एंड फॉर द राइट रीजन। भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मूवी, ग्राफिक्स भी लगे ठीक ठीक मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ
ज़्यादा ग्राफिक्स की देखो यार नॉलेज तो है नहीं, बट स्टिल ग्राफिक्स देखने में मुझे बड़े फिजिबल से लगे, अच्छे लगे। जिस तरीके से वो भेड़िया कन्वर्ट होते हुए दिखाया बहुत ही अच्छा लगा। तो एक बार के लिए क्रेडिट्स पे ध्यान डालेंगे, वरुण धवन, दीपक डोबरियाल, यार दीपक डोबरियाल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, मज़ा आने वाला है। अभिषेक बैनर्जी, कृति सेनन, पालन काबक, ओके। तो गाइज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारी के सारे क्रेडिट्स जो हैं मुझे लिंक में डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हैं भाई, बहुत ज़्यादा हैं। कास्टिंग की है निकिता ग्रोवर ने कास्टिंग बे की तरफ से, और VFX स्टूडियोज़ हैं MPC, VFX सुपरवाइज़र हैं जेम्स ऑस्टिन, VFX कंसल्टेंट्स हैं RC कमल कानन, ओके यार अविनाश कमल कानन, ओ कमला कानन, ओके। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहा है यार ये ट्रेलर तो देखने में, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी इसने और बढ़ा दिया पूरी मूवी के लिए। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के तो आप बता ही दोगे, कमेंट्स में भी बता देना, और इनकी इनके जाके चैनल के ऊपर भी ट्रेलर देखो, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, बहुत मज़ा आया, बड़ी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ी सी कॉमेडी है बीच में, लेकिन थोड़ा सा सीरियस स्टफ भी है कि हाँ एक बंदा भेड़िया कन्वर्ट हो रहा है, तो देखना चाहेंगे उसके बारे में भी क्या है क्या नहीं है। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए, एंड हर रोज़, जी हाँ हर रोज़।